हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली कल जो मैंने वीडियो डाला था, चूड़ी वाला वीडियो डाला था, उसमें दो चार कमेंट कुछ ऐसे आए जो कि मुझे कुछ अजीब से लगे, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा अजीब लगे। उसी से रिलेटेड कुछ इंस्टा पर भी कमेंट आया। सबसे पहले कमेंट आया था कि काली चूड़ी पहनने जैसा चलन आपके यहाँ होगा, हमारे यहाँ तो नहीं। हमारे यहाँ बहुत शुभ कार्य होते हैं और हमारे यहाँ इस टाइप का चलन नहीं है। तो ठीक है, नहीं होगा, इसमें परेशान होने की क्या बात है। और एक लोगों का कमेंट आया था कि आप बहाना कर रही हैं, तो बहाना क्यों करूँगी भाई, पैसे मेरे हैं, काले रंग की चूड़ी पहनूँ, हरे रंग की चूड़ी पहनूँ, इसके लिए बहाना लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब उनका कहना ये था कि इस टाइप का कोई चलन नहीं है, आप बहाना ले रही हैं, झूठ बोल रही हैं। तो मैं झूठ क्यों बोलूँगी भाई? और अच्छी बात तो ये है कि जाके आप उसी वीडियो के कमेंट चेक करिए, देखिए कम से कम 300-400 कमेंट है, और मोस्टली उसमें 200 कमेंट जो हैं वो ये हैं कि उन सबके यहाँ भी ब्लैक चूड़ी का चलन है। कल्चर की बात है ये। और एक कमेंट आया था, इंस्टा पर भी आया था, यूट्यूब पर भी आया था कि लंबी मांग वही भरती हैं जो चार दीवारी के पीछे रहती हैं, जिनका काम सिर्फ खाना बनाना, बच्चों को कपड़े पहनाना और ये और वो, उस टाइप का। मतलब बहुत व्याख्या में नहीं जाना चाहती हूँ, ये दो अलग अलग लोगों का कमेंट है। तो देखिए, पहले बात मैं ये बताऊँ कि चार दीवारी में रहना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। सबके बस की बात नहीं होती कि चार दीवारी के अंदर जीवन काट लिया जाए। ये भी बड़ी क्षमता की, बड़ी हिम्मत की बात होती है। बच्चों को कपड़े पहनाना, खाना बनाना, तो खाना बनाना भी एक कला है। सबको नहीं आती है, सबको गुण ये ईश्वर नहीं देता है, सबके हाथों का खाना स्वादिष्ट नहीं बनता है, ये भी है। और बच्चों को खाना खिलाना या उन्हें अच्छे संस्कार देना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। खुद जब आप संस्कार से भरे रहेंगे, तभी तो आप संस्कार दे पाएंगे चार दीवारी में रह के। जब खुद में ही संस्कार नहीं होंगे, इतने ज़्यादा मॉडर्न बन जाएंगे, तो दूसरों को क्या संस्कार देंगे। तो चार दीवारी में रहना और चार दीवारी में रहते हैं वही लंबी मांग भरते हैं, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता। भाई, हम शादी करते हैं और शादी का ही प्रतीक होता है मांग में सिंदूर भरना। तो शादी की है, चोरी तो नहीं की, शादी की एक पवित्र बंधन में बंधे हैं, कोई गलत काम तो नहीं किया, तो उस बंधन को छुपाना कैसा, वो भी मॉडर्न होने के नाम पे। क्या पढ़े लिखे लोग ही मॉडर्न होते हैं? क्या अनपढ़ लोग मॉडर्न नहीं हो सकते? मैंने तो अपनी लाइफ में कई लोग ऐसे देखे हैं जो पढ़े लिखों के भी कान काट लेते हैं, तो ऐसे लोग भी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। और रही बात पढ़े लिखे की मॉडर्न होने की, तो मैं आपको एक अंतर बता दूँ कि हमारे बुज़ुर्ग बूढ़े पुराने ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते थे, पर आज जो स्थिति हमारी है या हम जिस दौर में आके खड़े हो गए हैं, वहाँ कहीं ना कहीं कारण हम ही हैं। वो क्यों? पुराने ज़माने में शौचालय और स्नान घर निवास स्थान से बाहर होते थे। तमाम प्रकार की बीमारियाँ, अशुद्धियाँ घर के बाहर ही होती थी, घर के अंदर आ ही नहीं सकती थी। दूसरा, बाल कटवाने के बाद किसी के दाह संस्कार से वापस आने के बाहर घर के बाहर ही स्नान करते थे, घर के अंदर नहीं करते थे, क्योंकि डर रहता था कि इन्फेक्शन अंदर ना आ जाए। वो भले ही इसे टोटके के रूप में लेते हों, लेकिन कहीं ना कहीं मामला तो यही था। पैरों की चप्पल या जूते घर के बाहर ही उतारे जाते थे, घर के अंदर पहन के नहीं आया जाता था। यहाँ तक की बात ये थी कि रसोई घर में महिलाएं चप्पल पहन के खाना नहीं बनाया करती। तो आजकल तो जूते चप्पल पहन के हम रसोई में खड़े होकर खाना बनाते हैं, वो चप्पल पहन के आप रसोई घर में भी नहीं जा सकते थे। आज कोरोना सबसे ज़्यादा जूते चप्पल के सोल से ही फैल रहा है। अगर आपने WHO से सुना हो या आपने इस पर बहुत ज़्यादा सर्च की होगी, थोड़ी सी भी सर्च की होगी, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। तो आज तो वो बात सच है ना, ये बात तो हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने बनाई है ना कि जूते चप्पल पहन के घर के अंदर नहीं आते हैं। तो अगर इस बात को, इस नियम को हम बनाए रखते, मॉडर्न नहीं बनते, थोड़े से देसी ही बने रहते, मॉडर्न नहीं बनते, तो शायद हो सकता कि आज हिंदुस्तान में कोरोना होता ही नहीं। क्योंकि कोरोना इतना स्वाभिमानी है कि खुद से नहीं आया है, उसे हम लोग लेने ही गए थे तभी आया है। इतना सम्मान रखता है वो अपना कि वो खुद से नहीं आता जब तक आप उसे लेने नहीं जाएंगे।
एक और चीज़ बता दूँ, जन्म या मृत्यु के बाद घर वालों को 10 या 13 दिनों तक सामाजिक कार्यों से दूर रखा जाता था। कहते हैं वैज्ञानिक कारण तो यह है कि जो लोगों की मृत्यु होती है तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, बॉडी कहीं ना कहीं रिएक्ट कर जाती है कोई कीटाणु ना हो इस वजह से, क्योंकि मृत्यु के होने पर भोजन बनता है तो भोजन भी जो है वो नहीं बनता है। 13 दिन तक घर में भोजन नहीं बनता। अगर आप और लोगों की बात करूँगी तो अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ से आ जाते हैं, और आजकल तो हमने मॉडर्न होने के नाम पे अपने रिश्ते ही बहुत कम कर दिए, और कोरोना ने तो ऐसा हाल कर दिया ना, अब आपको जो शादी में नहीं बुलाएगा ना तो आप समझ लीजिएगा कि आप टॉप 5 की लिस्ट में है ही नहीं, जो टॉप 15 है 50 रिश्तेदार हैं आप उनकी लिस्ट में ही नहीं हैं। तो हमने खुद ही अपने व्यवहार इस तरीके के बना रखे हैं कि व्यवहार बचा ही कितना, जो थोड़ा बहुत बचा था तो अब वो करोना ले बड़ा। चाहे आप 25 आदमी रिश्तेदार बुला लीजिए, चाहे 25 आदमी घर के बुला लीजिए। पहले मैं देखा करती थी बारातों में 100-200 लोग जाया करते, तब तो मैं सड़कों पे देखती हूँ 10-12 लड़के रहते हैं, वही नाचते नाचते डोलते अपनी बारात लेके चले जाते हैं, कब बारात हो गई क्या हो गई कुछ पता ही नहीं चलता। भोजन बनाने से पहले स्नान करना ज़रूरी होता था, केश को गीले कपड़े से बांधा जाता था, अगर महिलाएं नहा के आई हैं तो अपने बालों को गीले कपड़े से वहीं के वहीं टक कर लिया करती थी, और खाना बनाने के पहले नहा भी लिया करती थी, किसी भी प्रकार की अशुद्धि में खाना नहीं बनाती थी। यहाँ तक कि अभी भी कई घरों में बनारस में चलन है कि पीरियड जब आता है तो घर में खाना महिलाएँ नहीं बनाती हैं। प्रातःकाल स्नान, अगरबत्ती, कपूर, धूप, पूजा, घंटी, शंख, इनकी आवाज़ों से पॉजिटिविटी आती है। तो ये पुराने लोगों का ही बनाया हुआ नियम है, हमने अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित नियमों को ढकोसला समझ लिया और उन्हें छोड़ दिया। अब उसका परिणाम करोना है, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ कहने की ज़रूरत तो है नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि पहले के ज़माने में, अब भी पता नहीं अब है कि नहीं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, लेकिन अब मैं मानती हूँ तो सिक्के के, जब तांबे के और चांदी के सिक्के चला करते थे, अब इस ज़माने की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है, मैं भी नहीं देखी वो ज़माना, तो कि तांबे के सोने के सिक्के चला करते थे तो लोग उन्हें नदी में फेंका करते थे और हाथ जोड़ते थे, मन्नत मांगते थे। विज्ञान कहता है कि उसमें ये सब फेंकने से, तांबे के सिक्के फेंकने से जिंक की मात्रा बढ़ती है। और पुराने ज़माना या नए ज़माने से मतलब नहीं है, किस नए ज़माने पुराने मॉडर्न की बात कर रहे हैं हम, उस मॉडर्न की जिसे आप ये कह रहे हैं कि नहीं विदेशों में तो ऐसा नहीं, तो एक कमेंट आया था उन्होंने लिखा था कि विदेशों में तो ऐसा नहीं, तो विदेशों में ऐसा भी नहीं है। विदेशों में कभी भी पूजा कलश स्थापना करके नहीं करते हैं, विदेशों की पूजाओं में घी के शुद्ध गाय के घी का दीपक नहीं जलाते, मोमबत्ती जलाकर ही पूजा करते हैं वो, ना ही तो किसी दूसरे का कल्चर अपना रहे हैं ना ही अपना कल्चर छोड़ रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपना कल्चर भी छोड़ रहे हैं, दूसरे का भी अपना रहे हैं, तो हमने क्या कर ली, खिचड़ी पका ली, ना ही पूर्ण रूप से हिंदुस्तानी हो पा रहे हैं, देसी हो पा रहे हैं, ना ही पूर्ण रूप से विदेशी हो पा रहे हैं, बीच में खिचड़ी सी पका रखी हमने, और अपने ही मन से कई बातें बना ली हैं कि नहीं ये तो हम मॉडर्न हैं हम कैसे कर सकते, नहीं हम तो मॉडर्न हैं हम कैसे कर सकते, नहीं हम तो इतना मॉडर्न हो चुके हैं। मॉडर्न वो नहीं होते जो मॉडर्न तरीके से रह रहे होते हैं, मॉडर्न वो होते हैं जो अपनी संस्कृति से जुड़ के भी अपने मॉडर्न को ज़िंदा रखते हैं। भाई आपका फैशन अपनी जगह है और संस्कृति अपनी जगह है, संस्कृति से खिलवाड़ करके तो आज यहाँ आ गए हैं। आज जिन चीज़ों को बार बार हाथ धोइए, घर के अंदर आइए तो हाथ धोइए, अब तो नए ज़माने के जो घर बनेंगे घर के बाहर ही एक वॉश बेसिन बनवा दिया जाएगा, तो जो भी घर के अंदर एंट्री करे सबसे पहले अपने हाथ धोकर आए, तो हम तो पुराने ज़माने की तरफ ही चले गए हैं, कहाँ नए ज़माने में बैठे, किस मॉडर्न ज़माने की हम बात कर रहे हैं। भाई अभी अगर हम नए मॉडर्न ज़माने की बात करें तो जो हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, मेरा तात्पर्य ये है जो हम अपने आप को बहुत मॉडर्न मॉडर्न कहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को और अपने बूढ़े बुजुर्ग पुराने व्यक्तियों को गाली दे रहे होते हैं। तो कम से कम हमें इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं उसमें किसका अपमान हो रहा है, हम कितने समझदार साबित हो रहे हैं ये ज़्यादा मायने मतलब नहीं रखता, लेकिन सामने वाला क्या सोच रहा है ये ज़्यादा मायने मतलब रखता है। एक और कमेंट आया था कि आपको हो सकता है श्रृंगार करना पसंद हो बहुत ज़्यादा और भगवान से जुड़ने के लिए श्रृंगार नहीं भाव की ज़रूरत होती। मैंने ये कब कहा कि भगवान से जुड़ने के लिए श्रृंगार की ज़रूरत होती है, बिल्कुल होती भी है और नहीं भी होती है। 4 आश्रम हैं, सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है, अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं और गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों को विधि पूर्वक नहीं निभा रहे हैं तो आप कितनी पूजा पाठ कर लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
यहाँ तक कि जब बिरहा का समय आया था तो श्री कृष्ण ने राधा जी का अपने हाथों से स्वयं 16 श्रृंगार किया था। ठीक है, प्रभु को 16 श्रृंगार की कलाएं स्वयं आती हैं, 64 कलाओं में गिनती है, मैंने वीडियो बनाया है तो आप चेक करिएगा। घर की महिला ही अपने घर को स्वर्ग बनाती है, घर की महिला की ही जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर को कहाँ ले जा रही है। जैसे कि एक कहावत बहुत पुरानी से हुई, अब तो आई डोंट नो लोग कहते हैं कि नहीं, कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, इसीलिए कहते हैं वो। महिलाएं आजकल जागरूक हैं, पढ़ी लिखी हैं, पढ़ लिख रही हैं, जॉब कर रही हैं, अच्छी बात है और करना भी चाहिए। किसी के निर्भर, किसी के ऊपर आप डिपेंड होकर बैठ जाएं वो भी अच्छा नहीं है, सेल्फ डिपेंड भी होना चाहिए, आपको खुद से कुछ काम करने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सेल्फ डिपेंड हो गए तो हम मॉडर्न हो गए, मॉडर्न नहीं हो गए, संस्कृति हमारी वही है। हम अपनी संस्कृति को अगर भूल जाएंगे और ये कहेंगे हम मॉडर्न हो गए, विदेशों में तो ऐसा नहीं होता है। विदेशों में और हिंदुस्तान में आपको एक चीज़ बताऊँ, देखा देखी लोग करने लगे हैं, आई होप आप लोग मेरी इस बात से सहमत हो, जो जो सहमत हो बताइएगा। हिंदुस्तान में अब कुछ सालों से मैं देख रही हूँ, 2-4-10 साल से, कि लोग शादी की 25वीं सालगिरह 50वीं सालगिरह बनाने लगे हैं। क्यों मनाने लगे हैं, कभी आपने सोचा इस बात को? इसलिए मनाने लगे हैं क्योंकि विदेशों में शादी की 25वीं और 50वीं सालगिरह मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि वहाँ 25 साल तक कोई शादी चल जाए तो ये बहुत ही बड़े गर्व की बात होती है। हिंदुस्तान के मुकाबले तो ऐसा लगता है जैसे गोल्ड मेडल मिल गया उनको। तो वहाँ 25 साल शादी चल जाना बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए वो शादी की 25वीं सालगिरह मनाते हैं। और 50 चल गई तो मान लीजिए उन्होंने तो स्वर्ग प्राप्त कर लिया। हिंदुस्तान में तो ऐसा कोई घर नहीं जहाँ शादी 25-50 साल तक ना चल पाती हो। कोई मनमुटाव थोड़े बहुत हो जाते तो बात नहीं कर सकते, लेकिन लगभग लगभग हर व्यक्ति आपको अपनी शादी के बंधन में 25-50-60-70 साल तक जो है वो बंधा मिलेगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी हमारी शादी की एनिवर्सरी आशीर्वाद दीजिए। मैं कभी किसी को नहीं कहती कि आपकी जोड़ी जो है राधा कृष्ण की तरह हो, आपकी जोड़ी राम सीता की तरह हो। मैं तो सबसे ही कहती हूँ कि आपकी जोड़ी दादा दादी की तरह हो, 100-150 साल जिए आप दोनों साथ में, जैसे हमारे दादी दादा जिया करते थे, नानी नाना जिया करते थे। तो देखिए मॉडर्न बनिए, मॉडर्न बनने में बुराई नहीं है, चीज़ों को अपनाइए। मैंने कल की वीडियो में भी यही बोला था, कुछ लोग होते हैं जो बात को सुनते नहीं, बस अपनी लिख के ठोक के चले जाते हैं सामने वाला क्या कह रहा है, इससे बहुत ज़्यादा उन्हें फ़र्क पड़ता नहीं, भले ही बाद में वो मुखी खा जाए, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क उन्हें नहीं पड़ता है। बात वही है, हमारा जो खाना पीना है, हमने जो संस्कृति अपना रखी है, सोचेंगे समझे कैसे, विचार कैसे करेंगे? विचार करने के लिए आपके अंदर उतनी समझ भी तो होनी चाहिए। तो कोई भी बात कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो उचित है, या हम जो कह रहे हैं वो हम किसे गाली दे रहे हैं। मॉडर्न अपने आप को कहना ठीक है, लेकिन ये कहना कि हम मॉडर्न हैं ये चीज़ ठीक नहीं, वो चीज़ गलत नहीं। तो हर नियम हमारे बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप पिता ने बनाए हैं, और ऐसा कह के कहीं ना कहीं हम उन्हें ही जलील करते हैं। और आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप अपने पूर्वजों को जलील करें। आप मॉडर्न हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मॉडर्न बन के रहिए, और ईश्वर करे एकदम से जितना मॉडर्न होना चाहे उतना हो जाए, लेकिन इतना ध्यान रहे, इतना लिहाज रहे कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। और आज हम उन्हीं पुरानी संस्कृतियों पर निर्भर होकर जी भी रहे हैं, लोगों से थोड़ा थोड़ा दूर। पहले के ज़माने में, आज माउथ मार्क्स की स्थिति आ गई, पहले के ज़माने में महिलाएं घूंघट डाल के घूमा करती थी। मेरे मोहल्ले में जहाँ मैं रहती हूँ सब ये कहते हैं कि दीदी आप देखने में तो इतनी मॉडर्न लगती हैं, जब मेरे जेठ जेठानी या परिवार के कोई सदस्य आते हैं तो मैं इतना लंबा घूंघट कर लेती हूँ। कई बार तो लोग कहते हैं कि इनका अच्छा है, मतलब इनको देख के पता ही नहीं चलता कि ये कितने जल्दी सबके रंग में ढल जाती हैं। जब रिश्तेदार आते हैं तो घूंघट कर लेती हैं, जब घर में होती हैं तो अपना जैसे रह रही टॉप जीन्स, और जो जीन्स तो घर में नहीं पहनती हूँ, जॉगर वगैरह घर में पहन लेती हूँ, कुर्ती, तो हर हिसाब से रहती हूँ। और यही हमारी संस्कृति है, हर चीज़ को अपनाइए लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलिए। ये मत भूलिए कि आप स्वदेशी हैं, इस चीज़ को मत भूलिए। तो कुछ विशेष ये चीज़ें थी जो कल मुझे बहुत ज़्यादा चुभ गई, थोड़ा सा बुरा लगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आखिर।
करते करते तो हम लोग यहाँ आ गए। आज स्थिति ये है कि हो सकता कि हमें आगामी भविष्य में कोरोना के साथ ही जीना पड़े, और उसके बाद भी हमारी ये विचारधारा है। विदेशी भी तो हार ही गए हैं, जो लोग मॉडर्न थे, विदेश में रह रहे थे, आखिर वो भी तो इस कोरोना से हार ही गए हैं ना। जो लोग अपने आप को भगवान समझ रहे थे, आखिर आज मिट्टी में मिला दिया कोरोना ने सबको। भगवान ने सबको बता दिया कि भैया हमसे बड़ा कोई है नहीं, आप लोग तक गलत फहमी में जी रहे थे तो जीते रहिए, लेकिन हम बता देते हैं कि हमसे बड़ा कोई है नहीं यहाँ पर। तो सबको उनकी अपने अपने स्थान ईश्वर ने दिखा दिए। प्राकृतिक के साथ खेल रहे थे तो देखिए उन्होंने भी दिखा दिए। इतने दिनों से नदियाँ साफ़ हो, गंगा साफ़ हो, ये साफ़ हो, देखिए नेचुरली सब साफ़ हो गई कि नहीं। जरा सी चीज़ें बंद हुई सब अपने आप क्लीन हो गई, हवाएं साफ हो गई, हिमाचल की पहाड़ियाँ दिखाने लगीं और कहीं ना कहीं कैलाश पर्वत दिखने लगा, कहीं कुछ होने लगा, सब चीज़ें शांत थी, तो सब नई प्रगति भी अपने आप ठीक हो गई। तो हर चीज़ में अपने आप को सही करने की क्षमता है। मैं आप लोगों से यही कहूँगी, अत्यधिक पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा मॉडर्न हो गए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ा लिखा हो वो ज़रूरत से समझदार भी होगा। समझदारी जो तब होती है जब हम अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को और अपनी हर चीज़ को पकड़ के उसके साथ चलते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बातें कुछ समझ में आई होंगी। जिनको नहीं समझ में आई होंगी उनको नहीं समझ में आई होंगी, जो समझदार होंगे वो समझ रहे होंगे। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।